दोस्तों मैं बहुत दिनों से एक चीज़ के बारे में सोच रहा था और फिर सोच कर टाल देता था कि छोड़ो ना। पर शायद मैं वो नहीं हूँ कि सोचूं और फिर छोड़ूँ तो ये आजकल इंटरनेट पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी और गाली गलोच नहीं हो गया है या शायद पहले से इतना था हम क्या बनते जा रहे हैं कंटेंट के नाम पर आज सरेआम लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है कहीं हिंसात्मक और अश्लील वीडियो सामने आ रहे हैं तो कहीं लॉकर रूम जैसे किस्से बस सवाल यह है कि यह सोच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की है या उन लोगों पर पोस्ट करने वाले ऐसी वीडियो बनाने वाले लोगों की है प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म्स की है या लोगों की और अगर ऐसे वीडियोस बन रहे हैं तो इतने वायरल क्यों हो रहे हैं क्या किसी को नीचा दिखाने में हमें मजा आने लगा है क्या इस किस्म के लोग आम जिंदगी में भी अपने माँ बाप भाई बहन के सामने ऐसी मां बहन की गाली देना इतना आसान समझते हैं क्या इसी को कूल समझा जाने लगा है क्या इस किस्म के वीडियो बनाने वालों के परिवार वाले उनके कंटेंट को देखकर गर्व महसूस करते होंगे कहते हैं हर वीडियो कुछ सिखाता है आपके अंदर का सच दिखाता है तो क्या यही ऐसे लोगों के अंदर का सच है मैं तकरीबन हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हूँ चाहे वो ट्विटर हो फेसबुक हो टिकटॉक हो या इंस्टाग्राम हो और मुझे इन सभी प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है जैसे दुनिया की बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लोगों का हुनर लोगों का ह्यूमर और ज्ञान का आदान प्रदान इन प्लेटफॉर्म पर मुझे अपना पक्ष कहने का भी बहुत अच्छा मौका मिलता है मैं अपने काम को प्रमोट भी करता हूँ चाहे वो मेरी फिल्में हों मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ हों या मेरी लिखी हुई किताबें हों और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरे द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे या मैं किसी को तकलीफ ना दूं। हां अगर कोई मेरे परिवार वालों को बिना प्रवोक गाली देता है तो मैं उसका जवाब देना भी जरूरी समझता हूं बेसिकली इन सब बातों के कहने का मतलब यह है कि इस लॉकडाउन में हमें इतनी तो सीख मिली है कि जिंदगी बहुत छोटी है और यहां कुछ भी हो सकता है तो क्यों ना नफरत छोड़कर प्यार को बांटे अपनी बुराई की जगह अपनी अच्छाई को दिखाएं कह रहा हूँ ना सोचिए जरा